हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं इंडिया के नियाग्रा फॉल्स की। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कनाडा। कनाडा के नियाग्रा फॉल को आप सभी लोग जानते ही हैं। ये वाटरफॉल जनरली 3 डिफरेंट वाटरफॉल्स को मिलके बना हुआ है, जिसमें द अमेरिकन फॉल्स, द ब्राइडल वेल फॉल्स USA में एंड द कैनेडियन हॉर्स शू फॉल्स कैनेडा में आता है। ये वर्ल्ड फेमस फॉल है जो कि हॉर्स शू शेप में है और इसमें पानी काफ़ी ऊंचाई से यानी लगभग 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर रहता है। क्योंकि ये हॉर्स शू शेप में है तो इसका नज़ारा वाकई बहुत ही सुंदर रहता है और इसका पानी काफ़ी क्लियर रहता है। तो देखिए इसकी खूबसूरती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नियाग्रा फॉल के बारे में क्यों बता रही हूँ। मैं नियाग्रा फॉल के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तो वर्ल्ड फेमस है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में भी एक नियाग्रा फॉल है जो कि शायद इंडिया का नियाग्रा फॉल जिसको कहना बहुत ही उचित रहेगा। हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। ये है चित्रकूट फॉल जगदलपुर। जगदलपुर जो है वो रायपुर से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जगदलपुर से ये दूरी पड़ती है इसकी 40 किलोमीटर के करीब। ये वाटरफॉल इंद्रावती नदी के ऊपर बसा हुआ वाटरफॉल है और मैंने नियाग्रा के बारे में इसलिए बताया कि ये वाटरफॉल भी हॉर्स शू शेप का ही वाटरफॉल है और इसमें भी पानी लगभग 90 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये पानी देखिए बरसात के टाइम का पानी है और इसका फ्लो देखिए यह अभी का पानी है जो अभी फ्लो रहता है। गर्मियों में इसका फ्लो कम हो जाता है क्योंकि रिवर में पानी नेचुरल है, थोड़ा सा कम रहता है और इसीलिए हर सीज़न में डिफरेंट डिफरेंट कलर का पानी दिखाई देता है। जैसे अभी बरसात का टाइम है तो ये इसका पानी थोड़ा मटमैला दिखाई दे रहा है और समर्स में ये वाटरफॉल काफ़ी कम दिखता है तो इसका पानी जो है वो वाइट दिखने लग जाता है। ये वाटरफॉल विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। इसे देखने भी अब पर्यटक बहुत संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता चलता है और जानकारी होती है वो लोग इसको देखने यहाँ पर ज़रूर ही आते हैं। यहाँ पर गर्मियों में बोटिंग की सुविधाएं भी हैं लेकिन बरसात में क्योंकि इसका वाटर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तो समर्स में यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अगर आप पिकनिक मनाना आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे गेस्ट हाउस बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ के इस राज्य शासन ने व्यवस्था कर रखी है। ये बरसात के टाइम का फॉल है इसीलिए यहाँ पर लोग आना असली में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये फॉल इस वेग में देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मैं कंपैरिजन में बता रही हूँ, लेफ्ट साइड में है हमारा नियाग्रा फॉल और राइट साइड में है हमारा बस्तर का चित्रकूट फॉल। देखिए दोनों का फ्लो करीब करीब सेम दिख रहा है, हाइट सेम दिख रही है और नज़ारा भी काफ़ी कुछ सेम ही है। बस फर्क है तो पानी के कलर का। और ये वाकई में बहुत सुंदर जगह है देखने लायक की, घूमने लायक की, पिकनिक मनाने लायक की। ये बहुत चौड़ी और बहुत सुंदर रिवर है। और ये समर्स के टाइम का नजारा है जिनमें बिल्कुल शांत रहता है पानी, बिल्कुल भी इसमें वेग नहीं है पानी में। इसका वेग खाली हमको बरसात में ही समझ में आता है। इसीलिए इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल से की जाती है क्योंकि इसका जो ऊंचाई है, फ्लो है, हॉर्स शू शेप है और इसका जो नजारा है वो वाकई दर्शनीय है। इसकी तुलना नियाग्रा फॉल से इसकी हाइट की वजह से, इसकी वेट की वजह से और इसके हॉर्स शेप की वजह से ही की गई है।
ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला वाटरफॉल है। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट के आने के टाइम से यहाँ पर नाइट लाइट शो भी शुरू किया गया है, जिसमें आप पानी को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं, और ये नज़ारा वाकई बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे तो इस वाटरफॉल को हर मौसम में देखा जा सकता है, लेकिन बरसात में इसे देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है, और नाइट लाइट शो देखना तो और भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए पानी अपने अलग-अलग रूपों में कितना सुंदर लग रहा है, अलग-अलग रंगों में, अलग-अलग रूपों में। तो यहाँ आने का बेस्ट समय है जुलाई से लेकर अक्टूबर का, जो कि बरसात का समय रहता है। तो आप नियाग्रा फॉल देखने कनाडा जाइए, जरूर जाइए, लेकिन हमारे इंडिया के नियाग्रा फॉल यानी चित्रकूट फॉल को जगदलपुर देखने जरूर आइए, और देख के आप पाएंगे कि आपको बिल्कुल एक नया और रोमांचकारी अनुभव होगा। ये अपने आप में बहुत ही दर्शनीय है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।